हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही टेस्ट मिलेगा जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। तो चलिए मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग की दाल। इसके बाद हमने ली है 1 कप चीनी। जितनी मूंग दाल उतनी ही हम चीनी लेंगे। इसके बाद हमने लिया है 1 कप फ्रेश क्रीम। साथ ही में हमें चाहिए 2 कप पानी। यहाँ हम जितनी मूंग दाल लेंगे उससे डबल पानी लेंगे। इसके बाद 2 बड़े चम्मच दूध, जिसमें हमने 7-8 केसर भी डाल दिया है। इसके बाद लिया है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसके बाद लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद 3 बड़े चम्मच घी, 2 छोटे चम्मच चिरौंजी और 2 छोटे चम्मच रोस्ट की हुई खसखस। अब सबसे पहले हम मूंग दाल को मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। तो ये मूंग दाल हम मिक्सर पॉट में डाल देते हैं और अब हम इसे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें मूंग दाल को एकदम चिकना नहीं पीसना है, थोड़ा हमें उसको दरदरा रखना है, तभी उसका स्वाद अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये दाल हमारी पीसकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये हमने अच्छी तरीके से दरदरी पीसी है। दाल थोड़ी दरदरी होगी तभी उसका लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। दूसरी ओर यहाँ हमने कढ़ाई गरम करने रख दी है। गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी के थोड़ा गरम हो जाने पर इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम लो ही रखेंगे। यहाँ आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बस इस बात का खास ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम हाई ना रखें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें बाकी जो हमारा घी बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मूंग की दाल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही घी मूंग दाल के साथ मिक्स होगा, मूंग दाल का कलर थोड़ा और डार्क होता जाएगा। अब इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें भूनना है। हमें भूनते समय पूरा टाइम इसे चलाते रहना है, नहीं तो दाल जो है वो कढ़ाई के नीचे चिपकने लगेगी और वहीं से जलने लगेगी। अब गैस को मीडियम लो पे रख के हम मिश्रण को भूनेंगे। तो इसी तरीके से कभी लो फ्लेम पे, कभी मीडियम लो फ्लेम पर हमें करते हुए दाल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से भून लेना है। ये दाल हमें तब तक भूननी है जब तक कि हमारे दाल में से घी अलग ना होने लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मिश्रण थोड़ा पतला हो गया है और घी अलग होने लगा है। इस वक्त आप जब आप इसे बनाएंगे तब आप देख सकेंगे कि बहुत ही अच्छी मूंग दाल की खुशबू आने लगती है इस टाइम पे। और इतनी मूंग दाल भूनने के लिए हमें करीबन 15 मिनट का समय लगा है। तो 5 मिनट और हमने इसे भून लिया था और अब आप देख सकते हैं कि इससे घी अलग हो चुका है और ये हम देख सकते हैं कि इसका कलर भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। ये थोड़ी डार्क हो चुकी है। तो अब मिश्रण हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब इस वक्त हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ही सावधानी से हमें डालना है, क्योंकि पानी डालने के बाद ये मिश्रण बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो गैस की फ्लेम एकदम लो पे रखेंगे और धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
ही में इसमें ये केसर वाला दूध भी डाल देते हैं। अब पानी और मूंग दाल को हमें अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करना है। इस समय थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम धीरे धीरे से मिक्स करेंगे तो हमारी मूंग दाल में लम्स पड़ जाएंगे, यानी कि गांठें पड़ जाएंगी और वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मिश्रण ने पानी पूरा सोख लिया है और मिश्रण पूरी तरीके से वापस गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद फिर मिश्रण पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे तरीके से घुल गई है और अब हम गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने से हलवे को एक रिच लुक तो आता ही है, पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो क्रीम डालने के बाद अब हम फिर से इस सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे खसखस और मिला लेंगे। और ये देखिए, साइड से घी निकलते हुए हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो सबसे पहले चिरौंजी डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। के बाद घी में रोस्ट किए हुए हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स हम एक एक करके डालकर अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और अंत में जाएगा इलायची का पाउडर और फिर से एक बार सबको मिला देंगे। मूंग दाल का हलवा बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी और साथ ही में रंग भी बहुत अच्छा आया है। एकदम शादियों में जैसा मूंग दाल का हलवा मिलता है वैसा ही है ना। तो चलिए गैस ऑफ कर देते हैं और हलवा सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर से गार्निश करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, चिरौंजी, काजू और बादाम। तो शादी जैसा मूंग दाल का हलवा बनकर एकदम तैयार है। आप भी इसे बना के देखिए, खाइए और खिलाइए, पर साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।